हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मानव का शास्त्र। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वी आर बैक विद द टॉप 30 क्वेश्चंस ऑन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन मेनी एग्जाम्स लाइक UPSC, UGC नेट, PG एंड UG कोर्सेज ऑल्सो। इफ़ यू हैवन सीन द फर्स्ट टू पार्ट, प्लीज़ विजिट फॉर देम टू। विल बी कवरिंग मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम जेनेटिक्स इन दिस सीरीज, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल नॉट बी मिसिंग आवर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और वैसे 99th क्वेश्चन है। ऑल दोज क्रोमोजोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ दैट इंडिविजुअल आर ऑटोजोम्स। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं और बाकी सारे जो रिमेनिंग क्रोमोजोम्स होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं और ऑटोजोम्स होते हैं वो बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर 100 है, अ कैरेक्टर विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड डोमिनेंट। सो किसी भी हाइब्रिड क्रॉस में जब भी कोई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो वो जो कैरेक्टर होता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, 101 है, फिनाइल थायोकार्बामाइड इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो फिनाइल थायोकार्बामाइड जो डिजीज़ है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, मतलब कि ये ऑटोसोम्स पे होती है और डोमिनेंट होती है। ठीक है, फिर 102 है, इज अ जेनेटिकली इनहेरिटेड ट्रेट दैट इज ऑफन ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो ब्रैकीडेक्टाइली क्या होता है, जेनेटिकली इनहेरिटेड ट्रेट होता है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होता है। ठीक है, मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर वो ट्रेट आपके जीन्स में है तो वो 100% एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उसका कोई रिसेसिवनेस या फिर कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता, उसको 100% डोमिनेंट करना ही होगा आपकी F1 जनरेशन में। ठीक है, तो ऐसी टाइप की कौन सी डिजीज़ होती है, वो होती है ब्रैकीडेक्टाइली। ब्रैकीडेक्टाइली में क्या होता है, जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो इरेगुलर शेप की हो जाती हैं। फिर 103 है, ऑटोसोमल रिसेसिव इज सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो RBC का शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और उसकी वजह से RBC का जो शेप होता है वो सिकल हो जाता है। फिर 104 है, सिकल सेल एनीमिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लायोट्रॉपी। सो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो प्लायोट्रॉपी का एग्जाम्पल होता है। अब प्लायोट्रॉपी क्या होती है, तो क्या होता है, प्लायोट्रॉपी अकर्स व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंसेस टू और मोर सीमिंगली अनरिलेटेड फिनोटिपिक ट्रेट्स। सच अ जीन दैट एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड प्लायोट्रॉपिक जीन। दैट मीन्स, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक जीन जो होता है वो मोस्ट कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कि मोर देन टू कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, फिर 105 है, सिकल सेल एनीमिया इज़ कॉज्ड बाय अ चेंज इन बेस पेयर ऑफ DNA। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, बेस पेयर जो होता है उसकी चेंज की वजह से। तो जैसे कि नॉर्मल जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें उसकी 6 पोजीशन पे क्या होता है, एक म्यूटेशन होता है। तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें जो 6 पोजीशन होती है बीटा ग्लोबिन चेन की, उसका उसकी कोडॉन्स होते हैं CTC एंड GAG, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक म्यूटेशन हो जाता है और कोडॉन में चेंज आ जाता है, तो क्या हो जाता है, वो CAC एंड GTC बन जाता है, जो कि एंटीकोड होके GUG बनता है और जिसकी वजह से वैलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और वैलिन के फॉर्मेशन की वजह से सिकल शेप RBC हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं सिकल शेप सिकल सेल एनीमिया। फिर 106 है, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, फिर 107 है,
फॉर्म ऑफ हाइपोपिगमेंट्री कंजेंशियल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ पार्शियल और टोटल लैक ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द आईज स्किन एंड हेयर इज एल्बिनिज्म दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो एल्बिनिज्म क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है और इसमें क्या होता है, ये हाइपोपिगमेंट्री कंजेंशियल डिसऑर्डर है, मतलब कि इसमें जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं या फिर पार्शियल एब्सेंट हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो डार्क पिगमेंटेशन होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारे स्किन में, हेयर में और आयरिस में, वो हमको नहीं देखने को मिलती है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो ट्राइनोसिनेज एंजाइम होता है वो क्या होता है, मेलानिन फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन ट्रायोसिनेज एंजाइम इसमें एब्सेंट हो जाता है और जिसकी वजह से मेलानिन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो उसको हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर 108 है, दोज क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ दैट इंडिविजुअल आर सेक्स क्रोमोसोम्स। सो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड करते हैं, तो वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जैसे कि मैंने बताया था कि जो वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में और रिमेनिंग पेयर जो होता है वो ऑटोसोम्स होते हैं। तो ऑटोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है वो फुल्ली सेक्स क्रोमोसोम पे ही बेस्ड होती है। फिर 109 है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज इज एसोशिएटेड विद टीएच मॉर्गन इन 1910। सो जो सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट है वो टीएच मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, और टीएच मॉर्गन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1910 में। एंड वी नो दैट सेक्स लिंकेज इज ऑल्सो नोन एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एंड इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर डिटरमाइनिंग जीन्स अलॉन्ग विद द सेक्स डिटरमाइनिंग जीन, फॉर एग्जाम्पल एक्स इन वाई। ओके, सो नाउ 110 इज द इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोजोम इज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है, उस वो क्या होता है, जो जीन्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं और उनकी वजह से जो भी हमारे अंदर इनहेरिट होता है उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सेम चीज़ है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस हम किसको कहते हैं, सेक्स लिंकेज को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 111, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज प्रपोज्ड बाई सीबी ब्रिजेस। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जेनेटिक बैलेंस थ्योरी है उसको प्रपोज किया था सीबी ब्रिजेस ने। ठीक है, फिर 112 है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज ऑरिजिनली प्रपोज्ड बाई विल्सन एंड स्टीवंस। सो जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी सेक्स डिटर्मिनेशन की वो प्रपोज की थी विल्सन और स्टीवंस ने। फिर नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली ट्रू फॉर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो ऐसा जैसे कि ऑप्शंस में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होंगे, तो उसमें जो ट्रू स्टेटमेंट है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को लेके वो ये होगा कि द मदर ऑफ डिजीज्ड फीमेल इज ऑलवेज डिजीज्ड। ठीक है, क्योंकि अगर वो फीमेल में भी जाता है तो फीमेल में भी एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल में भी जाता है तो मेल में भी एक एक्स क्रोमोसोम होता है, पर अगर वो वाई पे होता है, जैसे कि अगर फादर हमेशा डिजीज्ड होगा तो वो फीमेल्स में नहीं आ सकता है। ठीक है, फिर 114 है, हेरिडेटरी डिजीज़ विच इज़ नेवर पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन इज़ एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज़। सो एक ऐसी हेरिडेटरी डिजीज़ जो कि कभी भी अपने फादर से सन में पास नहीं हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज़। ये क्रिस क्रॉस भी होता है, जैसे कि ये फादर टू फीमेल पे फीमेल ऑफस्प्रिंग में जाएगा और फिर फीमेल ऑफस्प्रिंग से फादर उसके ग्रैंडसन में जाएगा, मतलब कि मेल फीमेल देन मेल में पास होता है, तो इसको हम क्रिस क्रॉस भी कहते हैं। और ये कब हमें देखने को मिलता है, जब वो एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज होगी। ठीक है, फिर 115 है, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया विच इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड।
सो दैट विल बी 25%। अगर देखो दोनों पेरेंट्स जो थैलेसीमिया के जो दोनों पेरेंट्स हैं वो थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं, और जो थैलेसीमिया है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ऐसे क्या चांसेस होंगे प्रेगनेंसी में जब भी अफेक्टेड चाइल्ड मिलेगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब हुआ जब वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बनेगी क्रॉस की, तभी वो कैरेक्टर शो होगा और तभी वो डिजीज़ फुली अफेक्ट करेगी चाइल्ड को, वरना वो या तो कैरियर रह जाएगा या फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो उसका सिर्फ एक ही चांस बनता है, जैसे कि वो 25% ही बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो अफेक्टेड होंगे, बाकी जो 75% होंगे या तो वो कैरियर होंगे या फिर वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 116, एक्स लिंक रिसेसिव जीन इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। अब ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि एक्स जीन जो होता है, एक्स लिंक रिसेसिव जीन जो होता है वो मेल्स में एक ही होता है, तो मेल्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर उनके पास वो डिफेक्टेड जीन आ गया तो उनके पास उसको जैसे कि कंपेंसेट करने के लिए दूसरा और उसके पेयर का जीन नहीं है, तो वो उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं बना सकते, तो वो फुल्ली अफेक्टेड होंगे ही होंगे उस कंडीशन में। लेकिन अगर फीमेल्स में देखा जाए तो उनके पास दो एक्स क्रोमोसोम है, अगर एक एक्स पे डिफेक्टेड जीन आ भी गया तो उनके पास दूसरा क्रोमोसोम का है जीन जो कि एक्स ही है, तो फिर वो उसको कंपेंसेट करके कैरियर बन जाएंगी लेकिन अफेक्ट नहीं होंगी। फिर 117 है, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव है। फिर 118 है, हाउ मैनी सन्स ऑफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन विल बी कलर ब्लाइंड इफ हर हस्बैंड इज नॉर्मल। सो 50% एंड 25%, इसका क्रॉस अप करके देखना, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक कलर ब्लाइंड वुमेन है, तो उसके जो नॉर्मल हस्बैंड के साथ अगर वो क्रॉसिंग करेगी या कपलिंग करेगी, तो उसके जो चिल्ड्रेन होंगे उनका ब्लाइंडनेस का क्या रेशियो होना चाहिए, क्या परसेंटेज आनी चाहिए, तो दैट शुड बी 50% एंड 25%। फिर 119 है, इफ़ ऑल डॉटर्स ऑफ अ कपल आर हीमोफिलिक देन वॉट इज़ कन्फर्म्ड। अगर सारी डॉटर्स एक फादर की हीमोफिलिक हैं तो वो क्या कन्फर्म करता है, दैट द मैन ऑफ द कपल इज़ हीमोफिलिक। तो उस कपल का जो मैन है वो हीमोफिलिक होगा, क्योंकि हीमोफीलिया जो है वो क्रिस क्रॉस चलता है, तो क्रिस क्रॉस में क्या होता है, फादर टू डॉटर जाता है। ठीक है, फिर 120 है, हीमोफीलिया इज़ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया क्या होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट है 121, हीमोफीलिया इज़ ड्यू टू फैक्टर 8। तो हीमोफीलिया क्यों होता है, क्योंकि फैक्टर 8 जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। तो हीमोफीलिया ना बेसिकली दो टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो पर्टिकुलरली हीमोफीलिया ए जो होता है वो फैक्टर 8 के एब्सेंस की वजह से होता है, और हीमोफीलिया बी जो होता है वो फैक्टर 9 के एब्सेंस की वजह से होता है। तो फैक्टर 8 के एब्सेंस की वजह से क्या होता है, फैक्टर 8 जो है वो एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो उसके एब्सेंस की वजह से क्या हो जाता है, जो पेशेंट होता है उसको बहुत माइनर कट लगने की वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, और जिसका कॉज डेथ भी हो सकती है, और इस चीज़ का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है। ठीक है, एक और चीज़ है, हीमोफीलिया जो है उसको हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं और रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। रॉयल डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इसकी कैरियर थी, हीमोफीलिया की कैरियर मानी जाती है क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 122, हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल्स बिकॉज दिस डिजीज़ इज़ ड्यू टू एन एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन। तो हीमोफीलिया जो है वो मेल में ज़्यादा कॉमन होता है और फीमेल में लेस कॉमन होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स में दो होते हैं, तो अगर वो एक क्रोमोसोम पे आ भी गया तो वो दूसरा कंपनसेट करने के लिए है उसके पास, फीमेल्स के पास, लेकिन मेल्स के पास अगर एक भी डिफेक्टिव क्रोमोसोम पहुंच गया एक्स का तो वो अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 123, G6PD डेफिशिएंसी इज एक्स लिंक रिसेसिव। सो G6PD डेफिशिएंसी जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव होती है।
फिर 124 है, होमोजाइगस फीमेल ट्रांसमिटेड द ट्रेट टू ऑल द चिल्ड्रेन दैट इज एक्स लिंक डोमिनेंट। तो ह्यूमन फीमेल क्या करेगी, अपने सारे ट्रेट जो हैं वो अपने चिल्ड्रेन को ट्रांसमिट कर देगी। तो ऐसा किस कंडीशन में होगा, अगर कोई भी चीज़ जो है वो एक्स लिंक डोमिनेंट हुई, अगर वो एक्स लिंक डोमिनेंट हुई मतलब कि वो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो उसमें से एक भी किसी को पास होता है, फीमेल्स को तो दोनों ही पास होगा, और अगर मेल्स में एक भी वो पास होता है तो वो शो करेगा ही करेगा अपना कैरेक्टर। 25 है, इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी इज एक्स लिंक डोमिनेंट। ओके, फिर 126 है, अफेक्टेड मेल ट्रांसमिटेड द ट्रेट टू ऑल हिज सन्स बट नेवर टू हिज डॉटर्स दैट इज वाई लिंक्ड। तो ऐसा कब कंडीशन होगी, जब भी जो अफेक्टेड मेल है वो अपना जो डिजीज़ है वो सिर्फ अपने मेल चाइल्ड को ही ट्रांसमिट कर पाएगा लेकिन फीमेल्स को नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब भी वो डिजीज़ जो हो वो वाई लिंक्ड हो, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स फीमेल में होता ही नहीं है तो वो डिजीज़ आने का कोई चांस ही नहीं है। फिर 127 है, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द रिम ऑफ पिना इज हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर। तो हाइपर ट्राइकोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ईयर पिना के रिम पे बहुत एक्सेस ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की। फिर 128 है, द अपियरेंस ऑफ बियर्ड ट्रेट इज लिमिटेड टू मेल्स ओनली एंड इट इज़ ओनली वन ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन ह्यूमन मेल्स दैट इज सेक्स लिमिटेड ट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट वॉट आर सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। सो दीज आर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स इन अ पर्टिकुलर सेक्स थ्रू देयर जीन्स आर ऑल्सो अकर इन बोथ सेक्स। मतलब कि जो जीन्स होंगे वो दोनों ही सेक्सेस में प्रेजेंट होंगे लेकिन जो उसका फंक्शन होगा वो एक ही सेक्स में हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि मिल्क सिक्रीशन होता है, जैसे कि पैटर्न बाल्डनेस होता है। तो मिल्क सिक्रीशन क्या होता है, जैसे कि निपल्स तो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं लेकिन जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो सिर्फ फीमेल्स में ही होते हैं, और मिल्क सिक्रीशन जो होता है वो सिर्फ फीमेल में ही हो पाता है, मेल्स में नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही पैटर्न बाल्डनेस होती है, पैटर्न बाल्डनेस जो होती है वो मेल्स में होती है लेकिन फीमेल्स में नहीं होती है। ठीक है, पैटर्न बाल्डनेस का एक एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि अगर पैटर्न बाल्डनेस जो है वो अगर डोमिनेंट फेज में है तो वो बोथ मेल और फीमेल में हो जाएगी, लेकिन या तो वो रिसेसिव हो या वो हेटरोजाइगस हो तब वो सिर्फ मेल्स में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 129, द सेक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्ट्स टू मॉडिफाई द डोमिनेंस ऑफ सम ट्रेट्स दैट आर कॉल्ड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। सो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट्स दैट आर नॉट ड्यू टू पर्टिकुलर जीन्स बट आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, इनका सेक्स क्रोमोसोम से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है बट ये प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बियर्ड और मोस्टैचेस का फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन बनता कहाँ पे है, किडनी की जो थर्ड लेयर होती है वो एंड्रोजन रिलीज़ करती है। ठीक है, और एंड्रोजन जो है वो बोथ मेल और फीमेल में रिलीज़ होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है और फॉर्मेशन जैसे कि उनका रिलीज़ होता है और उसका फंक्शन चालू होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा फीमेल में भी इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से फीमेल में भी बियर्ड और मॉइस्चराइजर्स देखने को मिल जाते हैं हमें, और अगर ये मेल में कम हो जाए तो मेल में भी बियर्ड और मॉइस्चराइजर्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। मतलब इनका डायरेक्ट सेक्स से कोई लिंक नहीं होता है लेकिन ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनका प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। So please like, share and comment your reviews. If you want to give some suggestion, we'll be trying our best to improve that. We'll be covering more questions in next parts. Up to then, stay tuned. Thank you.